क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीलतांर नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से लर्नर्स वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन आई एम डॉक्टर गीतन सिंह तो चलिए बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आगे बढ़ते हैं और पिछली क्लास में हमने कई सारी डिजीज के बारे में बात किया था हमने बात किया था डिप्थीरिया के बारे में हमने बात किया था जो है वो टाइफॉइड के बारे में निमोनिया के बारे में ठीक है ना तो हमें और टाइफाइड को हमने बड़े विस्तार से देखा था हमने को एक जो है आपके एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है तो हमने थोड़ा सा और डिटेल में जाकर उसको पढ़ा के और फिर मैंने कहा था कुछ बीमारियों के नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए ठीक है चलिए तो पहले मैं कुछ प्रश्न करता हूं आपसे फिर हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जो डिसेंट्रिकली के लिए रिस्पॉन्सिबल के नेम ऑफ द बैक्टीरिया जो डिसेंट्रिकली रिस्पॉन्सिबल है उस का नाम बताइए जो डिसेंट्री के लिए ज्यादातर मोस्ट ऑफ केसेस में दिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है उस का नाम बताइए जो निमोनिया करता है तो निमोनिया करने वाले बैक्ट्रा का नाम आपको बताना है बेटा ठीक है और आपको सबको ध्यान होना चाहिए बेटा कि आपको मैंने जो है वो एक डिजीज का चार्ट है मैंने एक आपका परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट अपलोड किया हुआ है जिसमें कि तमाम टेबल्स प्रेजेंट है वायरल डिजीज के वर्म्स वर्म्स वाली डिजीज के बैक्टीरियल डिजीज के ठीक है ना ठीक तो उस टेबल को बड़े ध्यान से इसके अलावा उसमें एक एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है वो है वैक्टर्स का कि कौन सा वैक्टर कौन सी बीमारी को फैलाता है तो याद रखना वो टेबल आपको सबको जो है उसका जो है वो ध्यान से याद इसे देखना है बेटा पढ़ना है उसको बल्कि हो सके तो प्रिंट आउट निकाल के जो है सामने दीवार पर लगा लीजिएगा तो तो वो शीट का हर चीज आपको याद रहना चाहिए कि जैसे कि सेंड फ्लाई से कौन सी बीमारी फैलती है कौन सी बीमारी फैलती है हाउस फ्लाई से कौन सी बीमारी फैलती है कौन सी बीमारी फैलती है ठीक है, एनाफल से क्या होता है तो बहुत सारे जो फैक्ट है उसके बेटा हमको ध्यान रखना ठीक है चलिए, तो बता आपको बताना निमोनिया प्रोड्यूस करने वाले बैक्ट्रा का नाम बताना है आपको एंड टाइफाइड के दोबारा से पूछ रहा आपको बेटा टाइफाइड करने वाले बैक्ट्रा का नाम आपको बताना है और आपको इन सभी बैक्ट्रा के शेप बताने ठीक है शेप समझ रहे हैं एक कोकाई होता है गोल स्फ़ेरिकल होता है कोकाई ठीक है बेसिलस रॉड सेप होता है इस्पा, जो स्पाइरलम जो होता है वो स्पाइरल या कुंडली के समान होता है तो आपको बताना है कि जो बैक्टीरिया डिसेंट्री करता है जो बैक्टीरिया निमोनिया करता है जो बैक्टीरिया टाइफाइड करता है उनके शेप किस तरह के हैं ये भी आपको बतलाना है ठीक है इसमें से और फिर आपको यह बताना है कि एक बीमारी और है वो है डिफ्थीरिया डिफ्थीरिया करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है यह भी बताना है आटके? और इनमें से किस बीमारी में आपको मेंब्रेन का फॉर्मेशन देखने मिलता है किस बीमारी में आपको मेंब्रेन का फॉर्मेशन देखने मिलता है यह भी आपको बतलाना है क्लियर चलिए फिर कौन सा बैक्टीरिया प्लेग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये बताना है आपको के और इस एनिमल का जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसका जो है वो साइंटिफिक नेम क्या है के इट इज दी रेड फ्ली ये रेड फ्ली है इसका रेड फ्ली का साइंटिफिक नेम बताना है के चूहे का पिस्सू है रेड फ्ली का आपको साइंटिफिक नेम बतलाना है ठीक है क्लियर है ना फिर किस बीमारी में ये का फॉर्मेशन होना है ये भी आपको बतलाना है बेटा ठीक है ना याद रखेंगे तो ये जितने क्वेश्चन में करता हूं आपसे कोशिश क्या कीजिए बेटा उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की ठीक है ना ये बात अलग है कि अभी एप्लीकेशन में और वेबसाइट में आपका कमेंट का सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो वो आपका थोड़े समय बाद चालू हो जाएगा उसमें अपडेट आने के बाद में तो चिंता मत कीजिए अभी लेकिन जो है उसका उत्तर जरूर क्या कीजिए ठीक है ना ठीक चलिए अब जहां बात खत्म की थी हमने कहा था कि हम कुछ जो है और बीमारियों के बारे में बात करेंगे वायरल डिजीज के बारे में बात करेंगे लेकिन उसके पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बीमारियां हैं बेटा जिनके बारे में हमें जान लेना जरूरी है तो हम वायरल डिजीज के बारे अब देखो बेटा एक बात हो रहा है कि इससे जब वायरल डिजीज की बात करते हैं तो हम कुछ हम जो है वो आ, कुछ और बैक्टेरियल डिजीज जो हमने लेफ्ट कर दिए उनको भी बेटा हम पहले देखेंगे तो अभी एनसीआरटी का स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहते हैं मेनी वायरसेज Also, in human beings. के कई सारे वायरस जो है वो भी मनुष्य में रोक करते हैं अब नंबर जो जो है virus जो होते हैं ये आजीवित और जीवित के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं वायरसेस आर एक्चुअली न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल ये वास्तव में क्या होते हैं ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं ठीक है इनमें क्या होता है इनमें प्रोटीन कोट होता है इसको हम कैप्सिड कहते हैं इनमें न्यूक्लिक एसिड होता है जो आइदर डीएनए या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा ठीक है सिंगल स्टैंड डीएनए होगा या डबल स्टैंड डीएनए होगा सिंगल स्टैंड आरएनए होगा या डबल स्टैंड आरएनए होगा ठीक है मतलब वायरस के बारे में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है इलेवंथ एनसीआरटी का उसमें पढ़ा हमने कि याद रखना है हमको कि वायरसेस आर दी न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स ये नाभिकी अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं इनमें न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेगा ठीक है और इनमें प्रोटीन से बना आवरण को प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड कहते हैं ठीक है कुछ वायरस में बाहर एक सेल मेंब्रेन जो हमारी सेल सेल की को फोड़ कर लेके जाता है वो उससे वो अपने आसपास एक इनवेल्प बना लेता है तो उनको हम इनवेल्ड वायरस कहते हैं चलिए आगे बात करेंगे उस पर हम अभी इतना समझ गए हम कि कई सारे वायरस ऐसे होते हैं जो मनुष्य में बीमारी कर सकते हैं और एक बात भूलना नहीं बिटक के याद रखना वायरसेस आर ऑलवेज ऑब्लिगेट पैरासाइट के ये दे आर ऑलवेज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट ठीक है भूलना नहीं के वायरसेस आर ऑलवेज ऑब्लिगेट ऑलवेजेट इंट्राइड वायरस हमेशा जो है सदैव जो है वो अविकल्पी मतलब कभी कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको कि कोई वायरस जो है वो पैरासाइड बन गया कोई वायरस जो है वो अपना आ, मतलब ऐसा एक्टोपेरासाइड बन गया या मीडियम में कल्चर हो गया ऐसा आपको एविडेंस नहीं मिलेगा वायरसेस जो है वह अविकल्पी मतलब हमेशा करने के लिए इनको लिविंग होस्ट चाहिए होता है ये सेल सेल के के अंदर जाते हैं ये, ये इंट्रासोलर सेल के अंदर जाके अपने को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह के परजीवी भी होते हैं ठीक है राइनो वायरसेस प्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरसेस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इंफेक्शस ह्यूमन एलिमेंट कॉमन कोल्ड के जो सामान्य सर्दी जुकाम सामान्य जो हमको सर्दी जुकाम जो होता है कॉमन कोल्ड जो होता है वो किससे होता है वो राइनो वायरस होता है अब एक मेडिकल फैक्ट समझिए एक मेडिकल फैक्ट समझिए आप कि कॉमन कोल्ड के जो सामान्य सामान्य सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड का सेवेंटी फाइव परसेंट रीजन इज दाइनो वायरस इट इज दाइनो वायरस के ट्वेंटी फाइव परसेंट इज दी कोरोना वायरस ठीक है ठीक है है पच्चीस परसेंट कारण इसका कोरोना वायरस होता है अब आपको आपको लग रहा होगा सर ये तो तो आप क्या बोल रहे हो तो बड़ा खतरनाक वायरस है के। देखो बेटा मैं बता दूंगा हमारे देश में कोरोना वायरस बहुत पहले से प्रेजेंट था और हमारे देश में क्या दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस पहले से प्रेजेंट था लेकिन ये कोरोना वायरस के कई सारे स्ट्रेन होते हैं कई सारे अलग अलग इसके स्ट्रेन होते हैं बेटा ठीक है और जो स्टेन ने महामारी फैलाया पेंडेमिक फैलाया उसको बोला हमने सार्स कोव टू बोला उसको के, ये सार्स जो है वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस ठीक है टू फर्स्ट पहले सार्स में आया था तो ये क्या है ये उसी इसी जो हमारे आसपास कोरोना खतरनाक रूप है उसी का ये खतरनाक रूप तो नहीं नहीं तो शेयर भी किया उन्होंने कि बुक में लिखा हुआ था महाराष्ट्र की बायोलॉजी महाराष्ट्र में जो बायोलॉजी की बुक चलती है उसमें पहले से कोरोना वायरस का जिक्र किया हुआ था कि जुकाम होता है इससे कभी कभी इससे गंभीर फ्लू भी होता है लिखा हुआ है महाराष्ट्र की बायोलॉजी की बुक में मध्य प्रदेश के कुछ बच्चों ने भैया कि सर हमारी भी जो है वो मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की बुक में ऐसा लिखा हुआ था ठीक है कुछ लोगों ने बताया कि तो नहीं एक्चुअली कोरोना वायरस बिग फैमिली कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा परिवार है उस परिवार के कई सारे मेंबर ऑलरेडी हमारे कंट्री में प्रेजेंट थे हमारी बॉडी पर अटैक करते थे हर सबके आपने देखा कभी कभी जुकाम होता है तीन दिन में ठीक हो जाता है कभी जुकाम होता है दस दिन तक ठीक नहीं होता वो मतलब यही वाला वायरस था जो थोड़ा सा जुकाम को बिगाड़ता था वो ठीक है तो तो 75 में में तो राइनो वायरस था था 25 में था, अब इसीलिए इसीलिए जो इंपैक्ट इटली को हुआ जो गंभीर प्रभाव इटली को सहन को भुगतना पड़ा अमेरिका को भुगतना पड़ा उतना गंभीर भारत में इंडिया में नहीं हुआ क्योंकि कारण उसके पीछे यह था कि इंडिया में हर साल सर्दी जुकाम से हर आदमी जूझ रहा था भारत में हर साल सर्दी जुकाम से जो है वो हर आदमी जूझ रहा था तो कुछ ना कुछ हद तक कुछ ना कुछ हद तक थोड़ा सा क्रॉस इम्यूनिटी इसको बोलते हैं कि कुछ ऐसा हमारा इम्यून सिस्टम था जिसने कि जो कोरोना वायरस था उसको उतना तेजी से प्रोपेगेट नहीं होने दिया जितना वो इटली के अंदर हुआ वहां नहीं था वहां वेदर ऑलमोस्ट ठंडा एक समान वेदर रहता है हमारे यहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो वेदर बड़ा फ्रिक्वेंट चेंज होता है और फ्रीक्वेंट वेदर चेंज होने पर हम कई बार सितंबर में जुकाम हुआ करता था हम लोगों को मार्च में जुकाम हुआ करता था हम लोगों को तो वो जुकाम जो, जो था ना उसमें कई बार कई लोगों को कोरोना वायरस भी था उसमें जो माइल्ड स्ट्रेंथ था मैं कुछ सरकारी अधिकारियों से बात करता हूं बतलाते हैं वो कि इंडिया में नौ या दस तरह के कोरोना वायरस के स्ट्रेन प्रेजेंट जो कोविड नाइन्टीन वाले हैं उसमें से एक जो है वो वायरुलेंट है एक या दो बड़े खतरनाक है बाकी सात या आठ एकदम माइल्ड वाले स्ट्रेन है कई बार एसिमटोमेटिक आदमी पॉजिटिव है पर एसिमटोमेटिक कोई सिम्टम ही नहीं है पर पॉजिटिव आदमी ऐसा भी हो रहा है ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि हम जो सर्दी सबसे और इसीलिए सब मतलब सामान्य सर्दी जुकाम सबसे खतरनाक होता है और जिसको हम बिल्कुल लापरवाही में लेते हैं ठीक है घर में एक को जुकाम हुआ तो सबको जुकाम हो जाया करता था है ना? तो वैसा ही नहीं? अभी कोरोना वायरस भी ऐसी प्रकार से फैल रहा है ठीक है अब खास बात यह कि याद रखिएगा अब आप बोलोगे सर ये जो फ्लू है जो कोविड नाइनटीन है जो फ्लू है और जैसे स्पेनिश फ्लू की बात करें हम कोविड नाइनटीन बात करें कोविड नाइनटीन की बात करें, हैं के, आ, की बात करें हैं के, और कॉमन कोल्ड इसमें फर्क क्या है फर्क यह है कि कॉमन कोल्ड केवल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तक सीमित था के यानी कॉमन कोल्ड जो था सामान्य सर्दी जुकाम होता है उसको हम बोलते हैं यू आर टी आई बोलते हैं के, यू आर टी आई का मतलब होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या बोलते हैं उसको बेटा उसको बोलते हैं अपर रेस्पेरेटरी ट्रैक इंफेक्शन तो यह केवल जो है वह आपके नजल इपिथिलियम हुआ आपके अपर रेस्पेरेटरी लंग्स तक ने इट डो टू दंग्स की यह लंग्स तक नहीं पहुंचता था आज के लेकिन अभी क्या हुआ कि जो फ्लू है फ्लू को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप फ्लू जो है वह लंग्स तक पहुंचता है फ्लू जो है वह लंग्स तक पहुंचता है और इसीलिए गंभीर है क्योंकि ये लंग्स तक पहुंचता है यदि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहेगा तो आदमी को जो है वो सा, थोड़ा सा जुकाम होगा उसको रनिंग नोज होगा उसको निगलने में तकलीफ हो तो तो उसको, लेकिन उसको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी उसको लेकिन यहां लंग्स में होता है तो वहां सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है ठीक है तो ये सबसे बड़ी समस्या है तो ये क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में दे इनफेक्ट नोज एंड रेस्परेटरी पैसेज बट नॉट दॉमन कोल्ड में लंग्स पर असर नहीं पड़ता याद रखना तो चलिए आप कि ये जो पैराग्राफ क्वेश्चन है एग्जाम का ठीक है ना इंपॉर्टेंट है बेटा ठीक है चलिए राइनो वायरस जो है उसका भी जेनेटिक मेटेरियल जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए होता है इट इज है सिंगल स्टैंडर्ड आर एन एस एस आर एन ए इसका जेनेटिक ये आप अब आपको पता है हमारी जो जो हमारा ब्रेन है ठीक है ब्रेन का ऐसा हिस्सा जो बाहर की ओर खुलता है हमारा पूरा ब्रेन कहा है स्कल में पैके बेटा है ना ठीक है लेकिन नोज इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट में ब्रेन का वाला हिस्सा होता है नोज इज़े, में जो एक्सटेंशन ब्रेन का और नजल इपिथिलियम में ऐसा अरेंजमेंट होता है अब आ, कई बार होता है कि भाई कॉमन कोल्ड हुआ मान लो राइनो वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो जुकाम आगे हो गया जुकाम हो गया क्या हो गया जुकाम हो गया ठीक है क्यों रनिंग नोस नाक क्यों बहती है रनिंग नोज क्यों होता है क्योंकि सिंपल सी बात है कि नजल इपिथिलियम में जब वायरस ग्रो करता है तो वायरस को हटाने के लिए सीक्रेशन बढ़ जाता है और वो एक प्रकार से जो है वो लगातार वायरस को फ्लश करने की कोशिश करता है वह छींक आती बार बार कि जो भी इंफेक्शन है वो निकल जाए के वायरस और आगे प्रोपेगेट ना करे और आगे की सेल को अफेक्ट ना करे उठ के तो छींक का आना नाक का बहना रनिंग नोज का होना ये सब एक प्रकार से प्रिवेंटिव मेजर होते हैं बॉडी के ठीक है बॉडी का का टेम्परेचर बढ़ जाना बुखार आ जाना ताकि जो है वो आ, आपकी जो इम्यून सिस्टम को फाइट करने में हेल्प मिले उससे ठीक है और माइक्रोब जो है वो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर में बेहतर ग्रो करते हैं तो जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उनका ग्रोथ भी कम होने लगता है तो ये सब तरीका होता है लड़ने का तो कभी भी बुखार का आना जो है ना वो बीमारी नहीं है ने? फीवर आ गया वो एक सिम्टम है बुखार का आना एक सिम्टम है दर्द का होना एक सिम्टम है बीमारी कुछ और होती है बीमारी कहीं और होती है ठीक है तो क्या देख रहे हैं हम यहां पे हम देख रहे हैं ये कि जो है कि ये नजल एपिथेलियम में अटैक करता है इसके दिस इज दी अब देखो ना ये है राइनो वायरस ये कौन है राइनो वायरस के आपको दिखाई पड़ा आप बोलोगे सर कुछ-कुछ ऐसा ही तो लगता है इसका भाई इसका खतरनाक वाला भाई इसका बुरा वाला भाई ठीक है ना वो क्या है वो है कोरोना वायरस ठीक है देख रहे हैं हम एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन प्रॉब्लम के हर जगह हर आदमी को कभी ना कभी हुआ होता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि न कि जुकाम जो है व्यक्ति उससे बच पाए के आ, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको मैं कि आ, जो है हमारे ऑफिस में एक चीज हुई ठीक है ये जो कोरोना का कारण का, का, का था ना तो ये बात है जनवरी की जनवरी में हमारे ऑफिस में जो अमर सर हैं आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं उनको बुखार आया बुखार आया सर्दी, जुकाम उनको हुआ बॉडी थोड़ा थो एक हुआ, वो ऑफिस आए, वो ऑफिस बता दूं मैंने इतने लोग देखे अपने उनका जुकाम होगा सर्दी होगा तकलीफ होगा कुछ होगा तो भी वो अपने ऑफिस आएंगे काम करेंगे पहले आपका काम फिनिश करेंगे फिर अपना कुछ करेंगे उनके और बिल्कुल एकदम जो कहते ना प्रतिबद्ध हम्बल व्यक्ति वैसे व्यक्ति एकदम ठीक है पूरे समय मतलब और आपको बता मैं वो बहुत सारा काम बायोमेट्रस का वो अमृत सर भी देखते हैं के तो उनको जुकाम हुआ तो जब वो डे वन पे जुकाम हुआ तो मैंने बोला सर कोई दवा नहीं लिया आपने सर मैं ले रहा हूं दवा तो मैंने देखा कुछ वो दवा एंटी एलर्जी कुछ मेडिसिन ले रहे थे तो मैंने प्रिवेंटिवली मैंने मैंने उस समय सुन रखा था ये कोविड नाइनटीन कोरोना तो मैंने कहा कि सर ऐसा है कि जुकाम वकाम खतरनाक टाइप के भी चल रहे हैं एक काम करो आप मास्क लगा लो तो मैंने अपने ऑफिस में जो सर्जिकल मास्क होता है वो उनको दिया मैंने और उनसे कहा कि जब भी वो अब हम लोगों के ऑफिस आजू बायोमेट्रिक्स के ऑफिस जो है वो दो तीन ऑफिस है पे तो एक ऑफिस में सर अपना काम करते हैं बाजू वाला ऑफिस मेरा तो कई, कई बार मुझसे वो एंट्रेट करते थे जब वो मुझसे मिलने आते थे या स्टाफ से मिलते थे तो बाकायदा मास्क लगा के आया करते थे अपना उठ के और स्टाफ को भी मैंने प्रिवेंटिवली मास्क प्रोवाइड कर दिया कि भाई जुकाम नहीं हो क्योंकि अभी बहुत जनवरी फरवरी में क्या होता है बहुत दबाव होता है कि कोर्स सिलेबस पूरा करने का प्रेशर होता है और आपके बहुत सारे टेस्ट चल रहे होते हैं क्रैश कोर्स की तैयारी चल रही होती है तो मैंने कहा कोई स्टाफ के हम लोग बड़े लिमिटेड स्टाफ में काम करते हैं हमारे पास कोई बहुत बड़ा फंडिंग वंडिंग या कोई बहुत बड़ा पैसा तो है नहीं कि हम जो है बहुत बड़ी संख्या में स्टाफ रख लें तो हमने कहा कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ना चाहिए ताकि बच्चों का नुकसान ना हो इसलिए सर प्लीज ध्यान रखिएगा तो अब बोला अब उसके बताऊं कि उनको चार पांच छह दिन तक उनका जुकाम ठीक ही ना हो आठ दिन हो गया फर्स्ट टाइम ही वेंट टू टू द चेस्ट फिजिशियन जो उनके आसपास अब उनको पता है कि सर ने दवा दिया सर तो डायबिटीज के डॉक्टर है तो वो चेस्ट फिजिशियन के पास गए उठ के तो उन्होंने दिखाया उन्होंने एक्सरे वगैरह लिया उनका और देख के बोला कि भाई ठीक है तुम दवा खाओ भी एंटीवाइड फिर उनको एजिथ्रोमाइसिन तमाम जो दवाएं चल रही वो दवाएं दिन फिर वो तकरीबन मांगा चलिए दस से पंद्रह दिन में सर ठीक हुए लेकिन वो प्रॉपर मास्क लगाए रहे वो हम लोग प्रॉपर और उनके ऑफिस में क्या है वो अपना अलग उनका ऑफिस जो है वो सेपरेटली उसमें वो काम करते हैं वहां पे ऑफ वो काम करते हैं और एक हमारा स्टाफ हो रहे वो काम करते हैं वहाँ पढ़ के तो सफिशिएंट जगह ऑफिस में होती तो कोई दिक्कत है नहीं उसमें तो लेकिन यह है कि तो अभी मुझे एक दिन बोले बोले कि सर मुझे तो अपना कोरोना का टेस्ट करना मुझे ऐसा लगता है कि उस समय मेरे को सांस में भी थोड़ी तकलीफ हुई मेरे को मेरे को जो है वो आ, जो, जो जुकाम मेरा इतना कभी कैसा हुआ नहीं था फिर मैं चेस्ट के डॉक्टर के पास भी गया था उन्होंने पूरी कहानी बताई सर ऐसा ऐसा है हुआ लेकिन वो रेगुलर ऑफिस आते रहे उस समय तो मैंने कहा ना कि कई यानी कई बार इंफेक्शन हमारे आसपास से गुजर चुका होता है और हमको समझ में नहीं आता कि ये ये वही था क्या ठीक है

हालत हो गया आज देखिए अब ड्रॉपलेट इंफेक्शन क्या चीज होती है मैंने कहा छीकने से खासने से आप जब जो, जो है छीकते हैं तो बड़ी संख्या में हवा में बाहर है, है, निकलते हैं और वो बिल्कुल इतने बारीक होते हैं किसको हम बोलते हैं एरोसोल्स बोलते है, क्या होते हैं एरोसोल बोलते हैं वैसा तो इन्हें बोलते हैं ड्रॉपलेट और ये कुछ समय तक जो है वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं फिर धीमे धीमे नीचे बैठते हैं इसीलिए छीकने या खासने वाले व्यक्ति के आसपास संपर्क में आने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन तक भी वो ड्रॉपलेट पहुंच जाते हैं वो तो क्या देखिए हमने दिक, दिखाया कि कि ए और के अब ये है यदि दो व्यक्ति पास पास में मतलब तीन फीट से कम अंतर पर दो व्यक्ति हैं तो क्या देख रहे हैं एक व्यक्ति ने छीका तो दूसरे व्यक्ति तक बड़ी संख्या में ड्रॉपलेट पहुंच गए दूसरा व्यक्ति सी सी पर्सन वो तकरीबन छह फीट से अधिक दूरी पर के मैंने कहा ये डिस्टेंस मान लिया मैंने कहा ये वाला डिस्टेंस मैंने कहा आपसे कि ये डिस्टेंस है छह फीट सिक्स फीट ठीक है और ये डिस्टेंस आपका है तकरीबन है ये दो फिट या तीन फिट के बिलो थ्री फिट तो क्या होगा बेटा होगा ये कि ड्रॉपलेट जो है ना ये जो जो इंफेक्शन है वो फैल जाता है इसीलिए सोशल वाइज सोशल डिस्टेंसिंग इज इंपॉर्टेंट के हम क्यों कहते हैं हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है क्योंकि कारण यह कि व्यक्ति ने या खांसा ना तो दूसरा वाला व्यक्ति अपने आप उसके संपर्क में आ जाएगा यदि वो छह फीट से कम दूरी पर दो हाथ से कम दूरी पर है कि एक हाथ और दो हाथ के इतने दूरी, पे होना दूरी पर होना चाहिए ठीक दो हाथ से अधिक दूरी पर मतलब दो हाथ तो कम हो जाएगा छह फीट से पर वो उतनी दूरी पर व्यक्ति को होना चाहिए के? तो जो है आ, एरोसोल पहुंचने की संभावना कम रहेगी और यदि व्यक्ति ने जो ने खास था था, उसने खास मास्क लगा रखा है सामने वाले ने भी मास्क लगा रखा है तो और शील्ड भी लगा रखा है तो दैट इज वेरी वेरी गुड इज वेरी वेरी मच प्रिवेंटिव ठीक है ना ठीक कॉमन कोल्ड इज करेक्टराइज बाय नजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज के नाक बंद हो जाती है और बहने लगती है तो आप क्या करते हो आप स्टीम सबसे अच्छा सबसे अच्छा तरीका होता है कॉमन कोल्ड का है स्टीम इनहलेशन ठीक है स्टीम अब स्टीम इन्हेशन का मतलब ये होता है बेटा कि एकदम ऐसा नहीं कि मतलब उबलते कड़ाई में सिर डाल दिया तो लग जाएगा है मतलब होता है कि गर्म पानी करने के बाद में पानी थोड़ा सा पानी ठंडा होता है तो उसमें भाप निकलती है तो बर्तन में पानी को रखिए आप ठीक है बर्तन इतना होना चाहिए कि आप जल ना जाए इसमें डीप डीप बर्तन होना चाहिए नीचे बॉटम में पानी होना चाहिए भाप निकलना चाहिए फिर एक टॉबिल लीजिए आपके और उस टॉबिल को लेकर फिर आप उसको ऐसे करके जो है वो फिर उसमें आप भाप ले सकते हैं स्टीम इनहलेशन कहते हैं उसको ठीक छोटे बच्चों को जुकाम हो जब होता है सबसे अच्छा तरीका वही होता है स्टीम इनहेलेशन देना ठीक फिर विक्स इनहेलर हुआ इस तरह की दवाई लोग बाग यूज करते हैं के लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ एक ओट्रीविन स्प्रे आता है एक बड़ा फेमस स्प्रे है ओट्रीविन के ओट्रीविन स्प्रे है आपने सुना होगा नाम इसका इसका, इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा के ये एलर्जी की भी होता है और मैंने इसकी एलर्जी अपने बच्चे में देखा है और बड़ा खतरनाक एलर्जी होता है एंड ओट्रीविन स्प्रे जो है बड़ा पॉपुलर है टीवी में इसका एड भी दिखाते हैं लेकिन मैं इसको कहता हूं कि इसके लिए कुछ लोग जो है वो एलर्जिक हैं और उससे जो है वो रिएक्शन कर जाता है कई बार वो तो पूरा सब कुछ मुंह पूरा चेहरा फूल जाता है मेरे बेटे को छोटे वाले बेटे को मैंने ओट्रीविन किट्स जो बच्चों का आता है वो मैंने स्प्रे किया और रात को दो बजे बच्चे ने मुझे उठाया उसने कहा कि पापा मुझे कुछ हो रहा है छोटा बच्चा मैंने जब तब उसकी उम्र रही होगी साढ़े साल के देखा मैंने आंखें पूरी फूल चुकी हैं पूरा मुंह फूल चुका है के और मैं तो इमीजिएटली मैं मैंने जो है वो बच्चे को लिया भारती को उठाया और हम लोग तुरंत जो है ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे वहां ड्यूटी डॉक्टर था मैंने कहा कि देखो भैया ऐसा है डॉक्टर से आपके चाइल्ड स्पेशल से बात करो और फटाफट पहले तो उसको जो है वो कार्टिकोस्ट्राइड लगाओ बच्चे को ठीक है तो उन्होंने फिर मेरी बात मानी और फिर बच्चे को उन्होंने डॉक्टर से फोन में बात किया कार्टिकोस्ट्रोइड को बच्चे को लगाया उसको उसके बाद कुछ घंटे बच्चे को वहाँ पर एडमिट किया उन्होंने तब जाके वो एलर्जी उसका सिम्टम कम हुआ उसका ठीक है नहीं तो क्या होता है कि ऐसे फूलने से आप लोगों इससे होता क्या है होता है कि रेस्पिरेटरी पैसेज भी फूल जाता है सांस अंदर नहीं जा पाती तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है इसलिए ऐसे दवाओं को जिनको आपने प्रॉपरली टेस्ट ना किया हो जो जो पहले कभी नहीं लिया हो तो उनको डॉक्टर की सलाह के बगैर कभी ना लेके विथट मेडिकल एडवाइस ओवर दी काउंटर मेडिसिन नहीं लेना चाहिए हमको चाहे टीवी में कितना ही एड दिखाए विज्ञापन कितना ही दिखाए वो देखो वो धंधा कर रहे हैं लेकिन आपकी जान की बात है इसलिए बिल्कुल एकदम अलर्ट रहा कीजिए इन चीजों को लेकर ठीक है है ना फिर नजल कंजेशन नजल डिस्चार्ज ये सिम्टम है इस करके फिर गला खराब होता है सोर थॉट होता है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आवाज मोटा हो जाता है इस मेट के खांसी हो सकती है इसमें सर दर्द होता है थकान होती है इसमेंट के और ये जनरली तीन से सात दिन तक होता है थ्री टू सेवन डेट के अब कुछ लोगों का विचार ये कुछ लोगों का विचार ये है कि जुकाम हो रहा है जोर से छींक आ रही है खांसी हो रही है तो कोई जरूरत नहीं ट्रीटमेंट की ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है अपने आप ठीक हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं कर रही ऐसा भी नहीं करना चाहिए आप देखो आपको सबसे डे पे जुकाम होता है मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताता जाऊंगा हो सकता है लेक्चर लंबा खिंच जाए के लेकिन यदि नहीं बताऊंगा तो मुझे मन में रह जाएगा कि मैं डॉक्टर होकर भी बच्चों को बता नहीं पाया चीजें तो मैं कहना बेटा कि डे वन पे यदि जुकाम होता है ना तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जो देसी उपाय है जो आपकी मम्मी जानती है इन उपाय को जो आपकी दादी दादी जानती है आपके पापा भी जानते हैं इन उपाय को ठीक जैसे कि आपका तुलसी का तुलसी अदरक ठीक है तुलसी अदरक हुआ लौंग हुआ और इसका जो जो अदरक हुआ ठीक है तुलसी अदरक लौंग इसका चाय बनाकर जो है वो आप लेंगे यदि चाय टी सिंपल टी की बात करो टी बनाकर आप लेंगे तो उससे आपको आराम फिर कई बार कहता है घर में मम्मी लोग जो है वो गुड़ का अदरक का काढ़ा बनाती हैं उठ के तो वो काढ़ा भी बड़ा इफेक्टिव होता है क्योंकि उसमें मेडिसिन मैं ये नहीं बोलता कि वो 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 एलोपैथिक मेडिसिन का स्थान ले सकता है लेकिन मैं कहता हूँ वो सबसे अच्छा रेमेडी है कोई साइड इफेक्ट उसके नहीं है और आपकी बॉडी पर गुड इफेक्ट है उसके ठीक है लेकिन जुकाम यदि छीक बार बार आ रही है ट्रनिंग ज़्यादा है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर उसके बाद वो आपको एंटी आ, हिस्टामिनिक दवाएं प्रोवाइड करेंगे आपको वोट के जैसे कि है ना और कभी भी ओवर दी काउंटर दवा नहीं लेना चाहिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि आप लेक्चर में सुनकर अपने मन से दवा ना लें आप ठीक है तो उसके लिए लिवो हुआ सिट्रीजिन हुआ ऐसी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होती है उन मेडिसिन को डॉक्टर की सलाह के बगैर लें और रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा ना लें रिकमेंडेड डोज से ज्यादा यदि आपने दियाट्रीजिन या सिट्रीजन आपने रिकमेंडेड डोज से ज्यादा लेना तो इतना होगा कि व्यक्ति खड़े खड़े गिर जाता है मेरे एक परिचित थे उनको मैंने एक बार मेडिसिन दिया मैंने उनको सिट्रीजिन दिया उनको जुकाम था मैंने कहा एक दिन में एक गोली खानी है लेकिन वो थोड़े से कैश बहुत समझदार आदमी थे उन्होंने सुबह एक गोली खाया जुकाम कंट्रोल हुआ फिर दोपहर में थोड़ा जुकाम और लगा था एक गोली और खा लिया उन्होंने फिर शाम को एक गोली और खा लिया और रात के समय जब वो अपने वॉशरूम में गए तो वो इतने सेडेशन में थे कि वो जब गिरे तो वो जो नल लगा होता है वॉशरूम में उस नल पर टकराए नल पर टकराने के बाद उनको सीवियर हेड इंजरी हो गया उनको के क्योंकि डॉक्टर्स का इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया बोला गया था एक दिन में एक ही गोली खाना में तीन गोली खा के अब जो है वो और कम से कम वो दो दिन तक में रहे उस के अफ, असर से। सिर में चोट लग चुकी तब तक, तक में रिकमेंडेड बगैर डॉक्टर की सलाह के दवाएं नहीं लेना चाहिए ठीक है ना ठीक है तो सबसे बड़ी ये है कि जो पढ़ा लिखा है वो और पढ़ना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि मुझे मालूम ज्यादा नहीं है मुझे आज भी लगता है कि मुझे और सीखना है मुझे आज भी लगता है कि मैं डायबिटीज को और अच्छे से समझना चाहता हूं मुझे आज भी लगता है कि मेरे में बहुत सारी कमियां मुझे बहुत कुछ सीखना है मुझे आज भी लगता है कि इस बीमारी के बारे में मुझे और जानना है हटके सिर्फ एक बीमारी का इलाज करता हूं डायबिटीज का तो मुझे डॉक्टर विडंबना यह कि डॉक्टर को हमेशा लगता है कि मुझे कुछ कम मालूम है मुझे और मालूम करना चाहिए और आम आदमी को हमेशा लगता है कि उसे डॉक्टर से ज्यादा मालूम है आम आदमी को हमेशा लगता है कि उसे डॉक्टर से ज्यादा मालूम है और इसलिए वो डॉक्टर को भी आके ज्ञान देता है डॉक्टर साहब ऐसा कर दो अरे भैया हम यहां घिस गए पूरे हम यहाँ पीएमटी पीएमटी पढ़ पढ़ बस्ता बस्ते पे गिर गिर पड़े पीएमटी निकाली मेडिकल इंट्रेंस निकाला फिर कॉलेज में जाके अपनी रैगिंग भी कराई कॉलेज में जाके पढ़े भी हम के कॉलेज में जाके जो है वो जी तोड़ मेहनत किया हमने फिर हमने पीजी भी किया हमने सब कुछ किया हमने और उसके बाद तू आ गया कहां से उठ के गूगल करके कि डॉक्टर साहब ऐसे कर दो दस साल की मेहनत का तूने ने निकाल कर दिया भाई तो इसीलिए है ना और ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी कंट्री में जो नहीं पढ़ा है मेडिकल उसको डॉक्टर से ज्यादा मालूम है ऐसा कॉन्फिडेंस है और बेचारे डॉक्टर को जो है वो इतना पढ़ के भी लगता है कि मुझे और जानना है ठीक है चलिए तो

फैमिली डॉक्टर जो आपके घर के आसपास में जो जो एमबीबीएस वाले डॉक्टर हैं या जनरल है ना उनसे बोलूंगा तो शुगर चेक करा लो क्योंकि मैं बता, मैं, मेरा दिमाग में वही बैठा हुआ है कि शुगर चेक करा लो एच वन सी करा लो सी पेप्टाइड ऐसे लो गेड एंटीबॉडी करो होमा आई आर टू लो वो पेशेंट बोलेगा भाई बुखार था हल्का सा तो तो मैं तो जो काम में था डॉक्टर साहब से सा डायबिटीज चिपका रहे हो मतलब डायबिटीज का फ्री मिल रही है डॉक्टर साहब वो ऐसा सोचता है अब मैं बोलता है मजबूर आदमी मेरे को मेरे को तो उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है तुमसे तो पूछगा दे तो फैमिली फिजिशियन जो है दे आर दी वेरी गुड डॉक्टर्स वो बोलते हैं हम पूरा बॉडी देखते हैं ना हम केवल डायबिटीज की बात नहीं करेंगे हम पूरे फुलटूस डॉक्टर हैं हम कि छर से लेके पैर तक मुन्ना भाई जिस

ट्यूब से कफ ऊपर और से वो ईयर में पहुंचेगा और ईयर में पहुंचेगा तो वहां पर फिर आपको होगा, कान बहने लगेगा समझ में नहीं आएगा कान कैसे बहने लगा अरे भैया जुकाम था पहले तुमने ट्रीट नहीं किया तो कान तक पहुंच गया वो ठीक है समझ में आ रही बात ठीक है चलिए <laughs> ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ एंड स्नीज के छींकने और खांसने से निकले हुई

ठीक है जोर से छीका मेरे सामने ये रिमोट था इस पर के कुछ कण गए इस पर और मैं चला गया यहां से सामने वाला आदमी आया उसको कुछ पता नहीं है उसने कहा अच्छा रिमोट उठा के चलो चालू करते हैं टीवी टिंग टोंग टिंग चालू किया बेचारे ने थोड़ी हाथ लगा तो लिया ऐसे बस उसको लग गया तभी तो अभी मैं अपने ऑफिस गया कुछ दिन बीच में मेरे को अपने को क्योंकि अभी क्या होता है जब स्टाफ की सैलरी होती है हिसाब किताब होता है ठीक है ऑफिस में अकाउंट्स देखना पड़ता तो कभी कभी आपको ऑफिस जाना पड़ता ठीक है तो मैं अपने ऑफिस गया तो आ, पता है, है हमें क्या ऑफिस में क्या हमारा तो कारपोरेट पार्क बिल्डिंग है ठीक है तो ऑफिस में जो है वो टूथ होता है टूथ के डब्बा रखा हुआ पे सबसे पहले ऑफिस में अभी क्या सिस्टम हो गया ऑफिस जाने के पहले बाहर एक जो है वो नल जैसा लगा हुआ है बाहर इन्होंने एक एक जो है वो सिस्टम लगा रखा है पहले जाके आपने हाथ और पैर को वॉश कीजिए हाथ धोइए साबुन से सैनिटाइज कीजिए उसके बाद आप मास्क लगाइए फिर आप जैसे ऑफिस में अंदर एंटर करेंगे तो एक आदमी जो है वॉचमैन जो है वो लेके खड़ा हुआ है क्या आपका टेम्परेचर लेने के लिए बुखार तो नहीं है बुखार नहीं है फिर आप अंदर लिफ्ट में जाएंगे लिफ्ट में टूथपिक रखा हुआ है टूथपिक को पिक करेंगे टूथपिक से बटन दबाएंगे आप लिफ्ट का कि मेरे को टेंथ फ्लोर पर जाना है टेंथ फ्लोर का बटन दबाया आपने और टूथपिक को अपने डस्टबिन में डाल दिया इतना प्रिकॉशन लेने लगे लोग क्यों क्योंकि जरूरी है भाई हर जगह यही हालत है तो आ, तो इन्फेक्शन कैसे फैलता है डायरेक्ट ड्रॉपलेट से फैल सकता है या ड्रॉपलेट किसी के, ऑब्जेक्ट में उसके थ्रू ये फैल सकता है ठीक है ना? तो देखो ये बात कर रहे हैं हम किसकी कॉमन कोल्ड की बात करें कॉमन कोल्ड में ऐसी हालत है आती है आदमी की ठीक है थ्रोट का फ्रनीनोज फीवर हेड टायर्डनेस एंड बॉडी एक ठीक है क्लियर आगे बढ़ते हैं हम फ्लू अब थोड़ा सा हमको यहां जानना पड़ेगा अब ये एनसीआर से बाहर निकल के फ्लू एंड कॉमन कोल्ड आर बोथ रेस्पिरेटरी इलनेसेस बट दे आर कॉज बाय डिफरेंट वायरसेस वायरसे फ्लू और कॉमन कोल्ड दोनों वायरल डिजीज हैं ठीक है लेकिन वो अलग अलग वायरस से होती है इन जनरल फ्लू इज वॉर्स फ्लू जो है वो कॉमन गोल्ड से अधिक खतरनाक होता है वॉर्स देन दॉमन गोल्ड के एंड सिम्टम्स आर मोर कॉमन एंड इंटेंस लक्षण भी बड़े पैमाने पर होते हैं बहुत इंटेंस उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं इसमें भी आपको जो है वो

कोल्ड और फ्लू क्या अंतर है कि किसी व्यक्ति को जो है, वो जो है वो खतरनाक वाला फ्लू चल रहा है इस समय, इस समय, इस समय, इस समय जो है वो खतरनाक वाला फ्लू चल रहा है ठीक है कोविड नाइनटीन की बात करें हम ठीक है क्या है मेरे पास जो है वो तीन दिन पहले किसी ने फो, फोन किया और कई बार कॉल था उसका फिर वो जो है वो फ़ोन पे मेरा बात हुआ पूछा उसने कि सर मैं आपका कमांडो हूँ मुझे चार दिन से जो है वो मेरे को जुकाम था तो मेरे को कोई ज़्यादा कुछ, कुछ तकलीफ थी नहीं लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सांस ले रहा हूँ तो सांस कम अंदर जा रहा है जब मैं सांस लेता हूँ तो सकता कि सांस मैं ले नहीं पा रहा अंदर तक तो क्या करूँ सर मैं बोला बेटा देखो ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्लियर कट सिम्टम है फ्लू के और इस समय हम कोई रिस्क नहीं ले सकते बेटा तो फटाफट नियर बाय हॉस्पिटल में जाके चेक कराई जांच कराइए अपने ठीक है जांच कराया हेलो सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन द लेक्चर बट इट्स इंपोर्टेंट टू इन्फॉर्म यू यू शुड डाउनलोड द बायोमेंटर्स एप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर वी नीड योर सपोर्ट

सिस्टर को और ब्रदर को कोई सिम्टम नहीं है मदर को भी कोई सिम्टम नहीं इसको सिम्टम है तो इसको फिर वो क्वारंटाइन सेंटर जो हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, होते हैं पे इसको रखा गया बाकी लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया तो ये मतलब अभी इस समय क्या है? इस समय कॉमन कोल्ड फ्लू इसको समझ पाना तो जो है बहुत इसलिए सुनिएगा ध्यान के देखिए जो

जो शरीर में दर्द है जो जो बॉडी में खिंचाव है शरीर में दर्द है वो इन्फ्लुएंजा में होता है कि अच्छा खासा होता है जबकि कॉमन कोल्ड में जो है वो आपको जो है वो कॉमन कोल्ड में आपको जो है वो कम देखने मिलेगा बुखार की फीवर की बात करें हम तो इन्फ्लुएंजा में हमेशा बुखार रहेगा और हाई ग्रेड फीवर हो सकता है यहाँ पे जबकि यहाँ पे कॉमन कोल्ड में बुखार हल्का सा हल्की हम बोलते हैं उसको हरारत के बोलते हैं ठीक है यार थोड़ा सा हल्का सा फेवरिश लग रहा है हरारत है हल्का टेम्परेचर ज्यादा है पर ंड्रेड या ऊपर टेम्परेचर नहीं रहेगा उसमें ठीक बॉडी के, के मैंने कहा यूजल रहता है इन्फ्लुएंजा में और यहाँ पे साइड होगा के ठंड लगना कप कपी आना ये जनरली हमको इन्फ्लूंजा में फ्लू में देखने मिलता है कॉमन कोल्ड में देखने नहीं मिलता हमको उठ के फर्टिक के यानी बॉडी पेन फटिक होना एकदम बहुत ज्यादा थकान आना बॉडी में कि उठने का मन ना ये सब आपको जो है फ्लू में कॉमन देखने मिलेगा कॉमन कोल्ड में कभी कभी होता है छीक आना जो है छीक आना अब देखिए यहाँ पे कि स्नीजिंग जो है वो फ्लू में कम देखने लगे स्निजिंग फ्लू में कम होती है लेकिन कॉमन कोल्ड में बार 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 छीक छीक आती आती है बार 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 आती है कॉमन कोल्ड इसमें इस की टेंडेंसी अधिक होती है नोज नाक का बंद होना जो है वो आपको कॉमन कोल्ड में अधिक दिखाई पड़ेगा एज कंपेयर टू फ्लू के सॉर थ्रोट जो है गला खराब होना वो जनरली आपको कम दिखाई पड़ेगा फ्लू में जबकि जो है कॉमन कोल्ड में अधिक कॉमन होगा ये चीज के लेकिन सबसे बड़ा सिम्टम ये है वो है चेस्ट में डिस्कम्फर्ट के यानी छाती में तकलीफ का होना चेस्ट में डिस्कम्फर्ट का होना खांसी का, का जो है वो आना यानी खांसी आने का मतलब ये है कि इन्फेक्शन चेस्ट याद रखिए कि छींक आना स्नीजिंग

हेडेक और आपको बता तो मैं बड़ा तगड़ा जो है अच्छा खासा इंटेंस हेडेक होता है किसमें इन्फ्लुएंजा में इसमें फ्लू में, इस में, में ठीक जबकि जो है वो कॉमन कोल्ड में हेडेक कम होता है रेयर होता है कम होता है माइल्ड हेडेक होगा इसमें ठीक है अब आते हैं हम सबसे पहले हम बात करते हैं बड़े भाई की किसका बड़ा भाई ठीक है ये सब एक ही परिवार है ठीक एक बड़ा भाई है सार्स एक बड़ा भाई है स्वाइन फ्लू और छोटा भाई जो सबसे अधिक नोटोरियस है वह है कोविड नाइनटीन ठीक है चलिए तो पहले बात करते हैं हम स्वाइन फ्लू किट के स्वाइन फ्लू का मैं स्वाइन वर्ड का मतलब है पिग के अरे ऐसा मानते हैं कि इट इज आल्सो ए जूनोटिक वायरस के ये भी एक प्रकार का जो है वो जूनोटिक वायरस है जो एनिमल से ह्यूमन में आया है के अरे इट इट इज ए क्रॉसओवर वायरस हमेशा बोलते हैं इट इज ए क्रॉस ओवर वायरस के ये पिग का वायरस था और ये पिग से कहा गया ह्यूमन में आ गया इट और आपको बता दू मैं कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हम बहुत अधिक डिपेंडेंट हो गए हैं एनिमल फूड इंडस्ट्री पर मेरी बात सुनिएगा ध्यान से उसको जज करने की कोशिश मत कीजिएगा ठीक है प्लीज डोंट फिकम जजमेंटल कि सर वेज को प्रमोट कर रहे हैं नॉन वेज को प्रमोट कर रहे हैं या सर ऐसा बोल रहे हैं सर हमारी हैबिट के बारे में देखो बेटा मैं बिल्कुल एक सामान्य कॉमन मैन एक एज ए डॉक्टर एज ए फिजिशियन एक रैशनल एक नागरिक के रूप में कह रहा हूँ कि अभी क्या हुआ है कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की फूड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम बहुत हद तक एनिमल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट हो चुके हैं और हम एनिमल जन जानवरों का हम जो पालन कर रहे हैं ना हम बड़ी इन ह्यूमन कंडीशन में बड़ी अमानवीय अवस्थाओं में जानवरों के लिए हम थोड़ा भी हम जो है सिंपैथी रखते हैं ना तो हम जानवरों को बड़ी खराब अवस्थाओं में पाल रहे हैं ठीक है चलते वो जानवर एक इनक्यूबेटर बन चुके हैं वायरस के लिए उठ के जैसे आप कभी किसी कभी मौका मिले किसी पोल्ट्री फार्म को दूर से जाके देखिएगा आप दे पाएंगे कि पोल्ट्री फार्म में एंटर करते आपको एक तो अजीब सी बदबू आएगी सुनिएगा मेरी बात ध्यान से जिनके पोल्ट्री फार्म हो घर में बेटा तो बुरा मत मानना मेरी बात को मतलब मैं एक एक, एक सामान्य नागरिक के तौर पे कह रहा हूँ मुझे हक है बेटा आपसे कोई रैशनल लॉजिकल बात कहने का करने का ठीक है आपको डिसएग्रीमेंट का ये पूरा राइट है लेकिन इट शुड बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल वे ठीक है तो क्या है कि वो पोल्ट्री फार्म में बत, अब, अब जाके देखा आपने क्या देखा लिमिटेड स्पेस में कई सौ हजार की संख्या में मुर्गा मुर्गी रखे हुए हैं वो इतना है कि एक मुर्गा मुर्गी को मूव करना होता है ना तो उसे प्रॉपर जगह भी नहीं मिलती मुख करके यानी वो उसी लिमिटेड एरिया में वो 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 छोटे चूजे से लेकर बड़ा होता है वहीं दाना चुग रहा होता है वहीं आर्टिफिशियल लाइट लगी होती है और उनको लगातार दाना चुगने के लिए उनको जो है प्रमोट किया जाता है ताकि जल्दी जल्दी उनका वजन बढ़े और जल्दी जल्दी उनको हम बाजार में बेच दें और बेच के काट के लोग खा जाए इटके I am not opposing any any non-vegetarian food, but I uh, what I am I, I am telling that कि हम उनको गोभी या uh, चना, गोभी चना घों, उसकी category में नहीं डाल सकते हैं हमके, they are living being, ये भी living being है, but they are more closer, they are animals के, वो plant हैं, इनके पास तो, जब when you are trying to catch them, वो भागते दूर-दूर तक, जान बचाने के लिए भाई गेहूं काटने गए आप तो गेहूं थोड़ी ना भाग जाता है कि उठ के गेहूं का आप गेहूं काटने पहुंचे तो गेहूं के सारे पौधे उठ के भाग के ये तो गेहूं काटने आ गया भाई भागो जान बचाने की सिस्टम का हिस्सा है यहां तो शिकार करना पड़ता एक जंगली मुर्गा मैं कह रहा हूं आपसे एक जंगली मुर्गा पकड़ने आप जाएंगे जंगल में इट इज ए चैलेंज कि आप पकड़ के दिखाइए उसको बहुत मुश्किल है खुले मैदान में एक मुर्गा है और एक आप है पकड़ के दिखाइए वो ऐसा भागेगा ऐसा भागेगा कि आप उसको बामुश्किल पकड़ पाएंगे यदि बहुत बहुत होशियार रहे तो पकड़ पाएंगे ठीक है नहीं तो नहीं कर सकते शिकार उसका लेकिन आपने क्या किया जानवरों को आपने कैद कर लिया आपने उनको चार दीवारी में कैद पिंजरे में कैद किया हुआ है हजारों की संख्या में पाला हुआ है अब वहां पे पल रहे हैं कंडीशन बड़ी खराब है उनकी है ना एंड इसका फायदा उठा रहा है एक वायरस खतरनाक वायरस आपको बता दूं मैट लोगों ने अभी कोरोना के टाइम में चिकन खाना बंद किया अंडा खाना बंद किया लोगों ने क्योंकि जो है कोरोना वायरस का एक स्ट्रेंथ चिकन के अंदर नेचुरली मिलता है हमेशा होता है ठीक है लोग डर गए इंस्टाग्राम पर नेशनल ज्योग्राफिक का एक मैंने पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने बताया कि जो है स्पेन में स्पेन में एक खेत है उस खेत में उन्होंने बहुत सारे कुछ छोटे छोटे चूहे से बड़े कुछ एनिमल होते हैं नाम बोल रहा है एनिमल का मैं उन एनिमल के बॉडी पे काफी सारा फर होता है तो वो फर निकालते हैं वो लोग और वहाँ पे जो है उससे अच्छे पर्स बनते हैं टोपियां बनती हैं उससे के तो उनमें से उन्होंने तकरीबन दस लाख एनिमल को उन्होंने एक दिन में मारा उन्होंने उनको उन्होंने सबको मार डाला एनिमल को क्योंकि कारण यह है कि उनमें कोरोना फैल चुका था एनिमल में उस खेत में काम करने वाले आठ जो लोग थे उस फॉर्म की देखरेख करने वाले वो आठों लोग

बड़ा गड्ढा किया गया मार्केट फेंक दिया गया उसके अंदर और गड्ढा कवर कर दिया गया ऊपर से ऐसा क्यों करना पड़ा क्योंकि हम एनिमल्स को जिस प्रकार का जो हम उनको सब्जी भाजी के समान पालने लगे अब आप लोगों सर यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी फूड की आवश्यकता क्या होगा मैं मानता हूं लेकिन तब भी मैं कहता हूं कि दशाएं कम से कम ऐसी होना चाहिए जिससे कि जो है वो एनिमल्स बीमारी के लिए क्योंकि देखो आज जो बीमारी फैली ना आज लाखों या आज कीमत वहां पर जो चाइना का जो मीट मार्केट है उसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी और इस कीमत को निकालोगे ना तो ये हजारों करोड़ों में है हजारों करोड़ों में है संख्या इतनी बड़ी है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते जो इकोनॉमी का लॉस हुआ है इस दौरान पिछले छह महीने में जो इकोनॉमी का लॉस हुआ है जो लोगों की जान गई है जो खतरा है और जो मनोविज्ञान पर असर पड़ा है कि बाहर निकलने में डर लगता है आदमी को जैसे जो जो आपका नीट का है 2020 एग्जाम है 13 सितंबर का लोग डर रहे हैं कि क्या होगा और डर डरबाजी में डर बिल्कुल वाजिब है क्यों नहीं होगा डर भाई आदमी को होगा डर आदमी को तो सिंपल सी बात है कि ये जो तो ये सब कहां से निकला वो मीट मार्केट में और वहां का किसी पत्रकार ने किसी रिपोर्टर ने वहां का पूरा वीडियो बनाया हुआ है और देखा उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी आप प्राकृतिक अवस्थाएं हैं जिसमें उन्होंने जो है कम से कम स्पेस में एनिमल को एक के ऊपर एक रखा हुआ है डिफरेंट टाइप के एनिमल को पकड़ के बांध के के ऐसे रखा हुआ है मतलब ऐसा कि केवल अपने आप को आप उस जगह पर इमेजिन कर लेना तो रूह कब जाएगी अंदर तक मेरे व्यक्तिगत विचार हैं तब आ, मैं कह रहा हूं आपसे कि एक होता है रैशनल एक होता है इरेशनल कोई भी चीज को यदि आप रैशनल तरीके से करते हैं ना तो वो प्रकृति उसका जवाब देती है ठीक है और वो वायरस जो है ना ये जो वायरस है ना चाहे वो ये भी पिग फॉर्म से आया है स्वाइन फ्लू ना पिग से मैं पिग फॉर्म के अंदर काम करने लोगों को पहले हुआ उससे पूरी कई से बड़ी संख्या में और इंडिया तक भी है ना ये इंडिया तक भी पहले भी हमारे पास आ चुका है हम लोग सार्स का सामना कर चुके हैं हम जो है वो स्वाइन फ्लू का सामना कर चुके हैं हम निफा वायरस का भी सामना कर चुके हैं पहले भी आया लेकिन इसके बराबर खतरनाक नहीं था जो अभी कोरोना आया इतना फास्ट इंफेक्शन नहीं था ठीक है चलिए तो मेरी कहानी खत्म हुई अब असली कहानी पाते हैं तो हम बात करते हैं स्वाइन फ्लू की स्वाइन फ्लू इज एन इन्फेक्शन कॉज बाय वन ऑफ द सेवरल टाइप ऑफ स्वाइन इंफ्लुएंजा वायरस है स्वाइन फ्लू एक ऐसा इंफेक्शन है जो

स्वाइन फ्लू को मनुष्यों में पहली बार मैक्सिको में देखा गया था टू में मैक्सिको के अंदर पहली बार इसको देखा गया था ठीक है स्वाइन फ्लू के सिम्टम क्या होते हैं इट इज ए रेस्पिरेटरी डिजीज विच इनफेक्ट पिक्स के ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो पिक्स को अटैक को इन्फेक्ट करती है बट ऑल्सो पीपल के टिपिकली हु हैव बीन इन कॉन्टेक्ट विद पिक्स मैंने कहा जनरली उन लोगों को जो पिक के कांटेक्ट में होते हैं उनको ये अधिक असर करती है ठीक है उनको होने की संभावनाएं अधिक होती हैं इसमें सिम्टम्स क्या बेटा कैसे फैलता है कि तो ट्रांसमिशन होता है इसका ड्रॉपलेट इंफेक्शन होता है छींकने से खांसने से फैलता है सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बुखार आएगा थकान रहेगी भूख नहीं लगेगी इसके और कई बार जो है व्यक्ति की कॉन्शियसनेस के ना इन्फेक्शन लेवल का फैलता है कि व्यक्ति जो है वो बेसू रहता है उसकी कॉन्शियसनेस चली जाती है और मर जाता है के रनिंग नोज होती है इसमें शोर थोड़ होता है खांसी होती है इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है स्मेंट के वॉमिटिंग होती है इसमें इसके सिम्टम के क्लियर तो ये जो ये जो वायरस है ये वायरस जो है वो वन ऑफ दी डेंजरस वायरस में से एक है ठीक है और सबसे कॉमन मैंने कहा ना सबसे कॉमन स्टैंड जो इंडिया तक भारत तक पहुंचा वो था एच वन एन वन ठीक है तो एच वन एन वन इंफ्लुएंजा जो है वो स्वाइन फ्लू है ये भी एक बड़ी चुनौती बनकर आया था जिसके लिए जो है वो आ, तो उस लेकिन जिस प्रकार कोरोना ना उतना स्पीड से ये नहीं फैला ठीक है स्वाइन फ्लू के सिम्टम क्या है कि मैंने ना, मसल पेन एंड डायरिया ये इसके सिम्टम जुकाम होने के यदि है, है, और पेट में गड़बड़ है सर्दी जुकाम बुखार और पेट में गड़बड़ है तो निश्चित तौर पर आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए क्योंकि ये फ्लू यानी कई तरह के फ्लू में जो है वो पेट कोरोना वायरस के मैंने प्रैक्टिकली मेरे पास कुछ पेशेंट्स कॉन्टेक्ट में आए इस दौरान तो मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि कोरोना वायरस में भी सर्दी जुकाम गला खराब और पेट खराब भूख लगना बंद वो सारे सिम्टम हो जाते हैं ठीक है तो कहने का मतलब यह है है कि ये जो है वो वॉमिटिंग जैसा लग रहा है भूख नहीं लग रही है ठीक है पेट में गड़बड़ है और सर्दी जुकाम और छीक आ रही खांसी है तो उसका मतलब डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है यहां पे ठीक है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस इज कॉमन थ्रू आउट जा है इसलिए हम वर्ल्ड फ्लू में हम चिड़ियां से डरते हैं क्योंकि उन, उनका अपना इंफ्लुएंजा होता है लोगों ने बीच में कहा कि पेंगोलिन से लोगों ने कहा पेंगोलिन से और चमगादड़ से जो है वो कोरोना वायरस आया हालांकि इस बात के बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं तो लेकिन तब भी साइंटिस्ट मानते हैं कि कोई इसका एनिमल सोर्स रहा है और बेसिकली जो जो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट पे कौक पे कॉक पे जो है वो दॉ पेंगोलिन वो, है वो कहते हैं बैट से नहीं आया ये पेंगोलिन से आया पहले बैट का न्यूज चला था अब पेंगोलिन के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है सच्चाई क्या है अभी जानते नहीं इस बात को हम ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस फ्रॉम पिग टू ह्यूमन इज नॉट कॉमन एंड डज नॉट ऑलवेज लीड टू ह्यूमन फ्लू ऑफर रिजल्टिंग ओनली इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड ठीक है जनरली ये इन्फेक्शन बड़ा कॉमन नहीं होता है लेकिन कभी यदि एक इंसान को हो जाए तो ह्यूमन टू ह्यूमन तेज फैलता है ह्यूमन टू ह्यूमन ये तेज फैलता है इफ ट्रांसमिशन डस कॉल्ड ह्यूमन फ्लू इट इज कॉल्ड जूनोटिक स्वाइन फ्लू जूनोटिक स्वाइन फ्लू कहते हैं पीपल विथ रेगुलर एक्सपोजर टू पिक आर एट रिस्क आर इंक्रीज रिस्क ऑफ स्वाइन फ्लू इन्फेक्शन Clear? तो ये जो उनके संपर्क देखो बेटा मैंने कहा ना कि जन्रली, जन्रली एनिमल वायरस जो है, वो इंसान को अटैक कम करता लेकिन जो है लेकिन होता है तो वहां पे पर ओवरऑल उस जगह पर वायरल लोड बढ़ जाता है और आप उसके संपर्क में आते हैं ना तो आप अधिक वायरस के संपर्क में आते हैं तो कुछ वायरस आपकी सेल को अटैक कर लेते हैं और एक बार इंसान को हुआ तो इंसान से निकलने वाला वायरस जो होता है देखो बेटा जो एनिमल से वायरस निकलेगा ना बाहर तो उसके आसपास एक होगा वायरस के आसपास एक कवर होगा और वो कवर एनिमल सेल मेम्ब्रेन उस एनिमल सेल का बना होगा और संयोग से इंसान को अटैक कर दिया तो अब इंसान की ह्यूमन की सेल में वायरस बनेगा अब वायरस जब बाहर निकलेगा तो अपना कवर बनाएगा वो एक ग्लाइको प्रोटीन का कवर होता है और वो कवर कहां से बनेगा लाइको कवर होता है कवर किससे बनेगा वो कवर बनेगा एनिमल सेल मेम्ब्रेन से और एनिमल सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे को आइडेंटिफाई जरणğ...... कर सकती है तो जानवर से इंसान में आने की प्रॉबिलिटी कम थी लेकिन इंसान से इंसान में आने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है ठीक है सिम्टम्स और एक फ्लू के सामानी सिम्टम होते हैं इसके ठीक है इन अग, अगस्त 2010 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया गया कि स्वाइन फ्लू पैंडेमिक इंसानों में जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन में जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो चुका है अब पेंडेमिक का खतरा नहीं है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी एक न्यूज हमको कोरोना वायरस के बारे में सुनने मिल जाए अभी रशिया नेट के जो कोविड नाइन्टीन का पहला वैक्सीन जो है वो रशिया ने बना लिया रशिया ने जो है वो वैक्सीन को बना लिया के पुतिन ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को जो है वैक्सीन लगवाया हुआ है के हालांकि कई लोग शक जाहिर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि फेज थ्री ट्रायल का रिपोर्ट का क्या हुआ है के तो उन्होंने बोला कि रिपोर्ट को वो एक या दो वीक के बाद पब्लिक कर देंगे रिपोर्ट को थोड़ा सा रशियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत हाई कॉन्फिडेंशलिटी में काम करते हैं थोड़ा सा वो लोगों पर ट्रस्ट कम करते हैं और लेकिन मैं तब भी कहता हूँ कि हमें शक की निगाह से क्यों देखना भाई यदि वो कह रहा है कि आदमी कह रहा है उसने वैक्सीन खोज लिया है बेटी को वैक्सीन लगाया हुआ है उसके और वो अभी वैक्सीन को हेल्थ केयर वर्कर को लगाने लगाने वाले हैं बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन करने वाले हैं तो इट्स ऑलवेज गुड कि हम चाहते हैं भगवान करे वो बिल्कुल सही हो हम चाहते हैं किसी के पास तो इलाज हो तो कम से कम हमारी कंट्री तक भी पहुंचेगा वो और बता दूं मैं आपको जिसको भी वैक्सीन मिलेगा बनवाने तो इंडिया आएगा आदमी हो क्यों इंडिया आएगा बनवाने क्योंकि इंडिया के पास है मैन्युफैक्चरिंग पावर चीन के संबंध सबसे खराब है चाइना ने सब जगह पर छेड़ करके रखी हुई है तो चाइना लोग पहुंचेंगे नहीं क्योंकि तुमने फैलाया वायरस तो तुम अपना जानो भाई ठीक है हम वैक्सीन पहले उन कंट्रीज में बनवाई तो इंडिया इज ए वेरी बिग मैन्युफैक्चरिंग हब यानी चाइना के बाद यदि कहीं पर सबसे अधिक मैन पावर है की क्षमता है वो इंडिया में ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन भले ही खोज लिया उन्होंने लेकिन वो लंदन के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में बन ही नहीं सकता है वो बनाने के लिए उन्होंने हमारे इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट से एक एग्रीमेंट किया उन्होंने हजारों करोड़ का एग्रीमेंट है वो सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बनाएगा मिस्टर वाला है उनका उनका सीरम इंस्टीट्यूट है वो वो बनाएगा फिर अमेरिका अमेरिका के पास है कैपेसिटी की अमेरिका जो है वो अपना वैक्सीन जो है अपने अपनी कंट्री में बना सकता है लेकिन बाकी छोटी छोटी यूरोपियन कंट्री में उतना अधिक उन्होंने जो है वो अलग तरह के काम करते हैं उठ के यानी इस तरह को फार्मा का, का, का सेटअप वहां पे कम है वो फार्मा का सेटअप आउटसोर्स करते थे चाइना को ठीक है नॉर्मल विटामिन सी की गोली भी चाइना से बन के आया करती थी ठीक है तो इसका मतलब ये कि उन्होंने पूरा काम जो है पूरा जितना मजदूरी वाला काम था सारा आउटसोर्स कर रखा था चाइना को उन्होंने उठ के और वो बाकी वो बना बनाया प्रोडक्ट ले लिया करते थे वो अब तो वै मैंने कहा ना वैक्सीन यदि मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे लिए तो बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि हम जो और इंडिया भी कोशिश इंडिया में कोवैक्सी पे काम चल रहा है इंडिया में ऑक्सफोर्ड वाला वैक्सीन का जैसे वहाँ पे थर्ड ट्रायल का रिपोर्ट आएगा तो इंडिया में वैक्सीन को जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा ठीक है तो वेरी सुन के लेकिन फिर क्लियर कर दूँ वैक्सीन हर आदमी को वैक्सीन लगाना इतना आसान नहीं है इंडिया जैसे बड़े देश में वैक्सीनेशन को पूरा करने में सुनिएगा एक साल से दो साल का वक्त लगेगा वन टू टू ईयर इतना बड़ा था। अब इसको गवर्नमेंट कैसे करती है किस पैमाने पे करती इस पर सब पे भी डिपेंड करता है मैं कहता हूं जैसे पोलिंग बूथ होता है इलेक्शन करते हो ना आप ऐसे पोलिंग बूथ वैक्सीन बूथ बना दीजिए आप हर वार्ड में हर एरिया में वैक्सीन लगेगा हर आदमी को तो शायद से आप जल्दी कर ले कुछ महीनों में आप वैक्सीन को लगा सके आप ठीक है चलिए अब बात करते हैं आगे है, ठीक चलिए तो अभी हम जो है वो स्वाइन फ्लू का और कोविड का कम बेहतर स्वाइन फ्लू टू थाउजेंड नाइन कोरोना वायरस टू ठीक है नाइनटीन के दिसंबर में आया कब आया बेटा दिसंबर आ, जो कोरोना वायरस का पहला केस हमको जो है वो चाइना में जो है वो दिसंबर में को देखने मिला ठीक है तो तभी तो कोविड -19 में कोविडीन 19 का मतलब क्या है दो ठीक है तो स्वाइन फ्लू और इसमें हम डेथ का का काउंट काउंटिंग देखें यहां पे हम तो अभी ये पुराने आंकड़ा पुराना हो चुका है कर दू ये आंकड़ा जो है वो जो फिगर्स है ये पंद्रह अप्रैल के फिगर है डब्लू के ठीक है है ना उसके बाद का बेटा मुझे मिला नहीं एक्चुअली इसलिए मैंने ये वाला लिया अभी तो ये अब तो आंकड़ा बढ़ चुका अब तो जो है, थी और 61 जो है वो थी। के आज कोरोना वायरस से जो है वो तकरीबन ऐसा कहते हैं कि अराउंड वन मिलियन एक मिलियन के आसपास लोगों की डेथ दस लाख के आसपास लोगों के आठ से दस लाख लोगों की डेथ हो चुकी है एग्जैक्ट फिगर मुझे दे� देखना पड़ेगा अभी हर दिन बदल जाता है तो आज तो मतलब ये है कि ये भी ये भी जो स्वाइन फ्लू है ये भी एक पेंडेमिक था 179 सेवेंटी नाइन कंट्रीज को उसने अफेक्ट किया था और जो कोरोना वायरस ने दूर के आइलैंड तक को भी नहीं छोड़ा इसने ये भी बड़े पैमाने पर लोगों को अफेक्ट करके इसका स्वाइन फ्लू का कारण था एच और इसका कारण है सार्स कोव 2 ठीक है ना सार्स कोव टू स्वाइन फ्लू में मोस्ट ऑफ दी लोग जो अफेक्टेड हुए थे वे 26 से 50 ईयर एज के थे और यहां पे 60 प्लस लोग सबसे अधिक अफेक्टेड हैं, जो है वो कोविड 19 में ठीक है ना क्लियर चलिए अब आगे बात करते हैं आपके अब ये तो बात की हमने कुछ फ्लू के बारे में थोड़ा सा हम कुछ बीमारियां और देख लें फिर हम जाएंगे भी देखना पड़ेगा तो आपकी जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बुकलेट है बेटा वन ऑफ दरी वेरी इंपॉर्टेंट बुकलेट में से एक है उसमें जो कोरोना वायरस का दे रखा है बेटा जो क्वेश्चन एमसीक्यूज क्यूद रखे वो जरूर एक बार देख लीजिएगा आप ठीक है अब देखिए ये बीमारी क्या है ये बीमारी है बेटा कौन सी बीमारी है ठीक है बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है ठीक है जब वो खांसता है तो कुकर की सीटी के समान अजीब सी आवाज आती है उसमें ठीक है तो कुछ पहले हम कुछ बैक्टेल डिजीज देखेंगे बेटा फिर हम कुछ वायरल डिजीज और ये आपको बता दो ये ये जो बत, बीमारियां बता रहा हूं ना ये टी में नहीं है बेटा लेकिन कोर्स का हिस्सा है और एग्जाम में आती है इसलिए पढ़ लीजिए इसको अभी जो है मेरे को ज्ञान मत देना कि सर इतना कोर्स बहुत बढ़ जाएगा इतना हो जाएगा भैया देखो ऐसा हमको अपना काम मालूम है पढ़िए चुपचाप से ना समझ गए ना ठीक है क्यों पिटने वाला काम करते हो चलो हुपिंग कफ इज पलिट्यूसिस ए डिजीज ऑफ चिल्ड्रन जनरली बच्चों में होता है ये बेटा

डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से फैलता है, है बुखार रहेगा, खूब खांसी बच्चा लगातार खांसेगा, इतना खांसेगा बच्चा कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी बच्चा घबरा जाएगा एकदम देखे किसे बच्चा घबराया था एकदम से कि मैं इतना कि सांस नहीं ले पा रहा हूं वो मीटिंग होगा Whooped, के वो बच्चा जो चुकी इतना खास रहा है सांस ले तो लेने का मौका मिलता है तो बड़ी चूकी लंग्स जो है लगातार का हो होता है, तो जब वो अंदर लेता है ना तो बहुत तेजी से हवा अंदर जाती है तो एक कुकर की के सीटी का है हुआ क्या लिखा है इसमें लाउड क्रॉइंग ग्राव, इंस्पिरेशन के कॉमन सिम्टोमेट के हुप बोलते हैं इसको इस साउंड को हम कहते हैं इसको ठीक समझने बात क्या हूं लगातार बच्चा खांसता है इतना खांसता है कि अंदर लंग्स के अंदर एयर कम हो जाती है तो जब वो सांस तो तो प्रोड्यूस होता है mucus, इतना अधिक म्यूकस गले में जमा होता है कि बच्चा सांस नहीं ले पाता है तो जैसे गला घोट के किसी की डेथ आती है ना कि किसी का गला दबाने पर मृत्यु हो गई किसी के सांस नहीं ले पाया वैसे बच्चों की डेथ आती है इतनी खतरनाक बीमारी का वैक्सीन और इसीलिए इतना खतरनाक बीमारी है कि इस इस बीमारी में मतलब तकलीफ दे दे, दे, दे यानी डेथ होती है बच्चे की बहुत तकलीफ के साथ होती है इसलिए डॉक्टर्स जो है आप देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन में से एक डीपीटी का वैक्सीन टीवी में कई बार एड भी आता है दूरदर्शन के अंदर आज भी मैं कहता हूं आपसे कि जो दूरदर्शन है ना सरकारी चैनल सरकारी जो न्यूज है समाचार इससे अच्छा कुछ भी नहीं है सच में न्यूज सुनना है ना तो समाचार दूरदर्शन का सुनिए आप जिन लोग जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना वो समाचार सुनते हैं दूरदर्शन का जब मेरी वाइफ तैयारी कर रही थी यूपीएससी की तो मैंने उनको है ना चूंकि हमारे घर में टीवी था टीवी में कई बार सीरियल देख रहे हैं मम्मी देख रही कुछ सीरियल कुछ देख कुछ, दे, कुछ, दे, कुछ, दे, कुछ देख रहे हैं तो मैं अपनी वाइफ को एक छोटा सा टीवी ला के जा इतना छोटा थी इतना छोटा टीवी उस समय में चलता था एक छोटा सा इतना छोटा सा कलर टेलीविजन था बहुत छोटा उसका टॉर्च के साइज इतने इस साइज का रहा होगा उठ के वो ला एंटीना लगा के आप बाका वो केवल दूरदर्शन को, 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 दूरदर्शन की न्यूज सुना करती थी वो कॉपी कॉपी पेन लेके बैठती थी और दूरदर्शन की न्यूज की सरकार ने ये किया ये न्यूज उसका जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कहाँ पे पुल का उद्घाटन हुआ कहाँ पे कुछ हुआ ठीक है कहाँ पे कुछ बना कहाँ पे डैम बन रहा है वो सारी न्यूज को नोट करती थी वो और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये जो है ना पूछता है इंडिया बताओ तुम इसको इससे बढ़ा दिया उसको उससे बढ़ा दिया दो लड़ रहे हैं आपस में तीसरे भाई मैं तीसर, बोल ले नहीं था तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है कौन कि किससे क्या बोल रहा है भाई ये न्यूज नहीं होती है ठीक है ये डिबेट न्यूज आज के जो न्यूज चैनल है ना वो बड़े बड़े खतरनाक है बहुत ही खतरनाक है वो मतलब उनका बस चले तो किसी भी चीज में से एक, एक एक जो है वो सड़क पे मान लो एक डॉग कुत्ते की डेथ हो गई है देख रहे हैं आप कितनी क्रूर दुनिया हो चुकी है दुनिया में क्या होगा देखिए देखिए आप आप सच सच जानिए जानिए एक मौत का आप पता नहीं क्या हो गया ये जानवर बोल भी नहीं सकता है कैसे पड़ा है देखिए इसकी पूछ ऐसी मुड़ी हुई है जिस तौर पर किसी ने मरने के बाद पूछ से छेड़छाड़ की है फिर देखिए इसको आप दांत देखिए बाहर निकले हुए इसके ये किस ब्रीड का है इस ब्रीड का है तो इसका संबंध जरूर ब्रिटेन से है ब्रिटेन ने कुत्ता क्यों भेजा भगवान तो मतलब तो आज का जो जो न्यूज है वो तो बड़ा भयंकर खतरनाक है कहां पहुंच गए हम लोग यार चलो तो अभी मेरा कहने का मतलब है कि दूरदर्शन तो पे भी एड रहे डीपीडी जो है वो डीपी टीके टीके के लिए ठीक है चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नाउ जो है अगली बीमारी पाते हैं अब ये बीमारी कौन सी है आप देख रहे हैं ट्यूबर दिस

टीवी के मरीज ठीक है सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो हम लोग क्या करते थे हम उनको पूरा एक्सरे किया देखा उसमें कि भाई यहाँ पर जो है वो फ्लूड इकट्ठा हो चुका पस भरा चुका है आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग उस पस को निकालते थे कि हम लोग जो है पीस उसको बैठा के इनतीजा देने के बाद में प्लूरल टैपिंग बोलते हैं एक जो है वो एक सुई डाल के अंदर और उसके पस को निकालते थे बाहर ठीक है और उसके बाद फिर उसका हम उसका जो है वो लेबोरेटरी पस का टेस्ट भी करते थे किस, में किस, इस पे, किस संख्या में कौन सा तो मरीज का पस निकाल थे थे, से हम लोग उसके बाद मरीज को सांस लेने में आसानी होने लगती थी वेरी कॉमन इंफेक्शन और अभी सबसे बड़ी बुरी बात क्या है कि इट गोज द्रेन ब्रेन में हो रहा है किडनी में हो रहा है नोड में हो रहा है ये बोन्स में हो रहा है है अभी हम हम सबको जो है क्योंकि टीवी का वैक्सीन लगा हुआ है हमको जो है सबको जो है वो बीसीजी लगा हुआ है बीसीजी इज जी वैक्सीन फॉर बीसीजी बैसिलस जी बेसिलस कॉलमेट गुर इज फॉर ट्यूबरक्लोसिस हम सबको वैक्सीन लगा हुआ है इसलिए हमारा लंग्स का हमारे लंग्स जो है ना वो इसके खतरे को सहन करने लायक है हमारे लंग्स में ये इन्फेक्शन नहीं कर पा रहा तो इसने एक देर तक पढ़ता हूं तो मैं, मैं भोजन नहीं करना नींद आती है इसलिए आपने खाया कि आपने जो खाना खा रहे हैं अनहेल्दी फूड खा रहे हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो आपको बताओ धीरे धीरे बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन होने लगेगा इम्यून सिस्टम डाउन होने लगेगा तो बस इसको तो मौका चाहिए बैक्टीरिया बहुत बदमाश है यह आपकी बॉडी में हमेशा है मेरे आपके सबके शरीर में टीवी का बैक्टीरिया हमेशा लंग्स में प्रेजेंट है लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम जो है चौकस है वो कहता है कि बढ़ने नहीं देंगे तुम बड़े संख्या में कि तुमको मारा हमने तो यह बैक्टीरिया कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढता रहता है ये अपर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है मौका ढूंढ रहा है जिस दिन कमजोर हुए उस दिन मतलब दिखाएगा अपना असली रंग वो इम्यून सिस्टम डाउन हुआ तो कहां गया लिम्फ नोड में आकर ग्रो करने लगा ठीक है किडनी में चला गया ये बड़ा खतरनाक है के, तो ये जो है वो और सबसे बड़ी बात है अभी मैंने एक नॉर्वे का कोर्स किया मैंने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस में और मैंने देखा उसमें कि जो है अभी सबसे खतरनाक अगला बड़ा खतरा जो है ना वो है एन डी टी टी वी ठीक मल्टी ड्रग रजिस्टेंस एम डी आर टी वी एम डी आर टी वी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज के और ये इससे निपटने के लिए डॉक्टर जो है वो दुनिया भर के साइंटिस्ट को कुछ नए एंटीबायोटिक्स को भी खोज रहे हों ताकि ये यदि खतरा बढ़ता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकें ठीक है तो क्योंकि इस बैक्टीरिया ने कई सारे एंटीबायोटिक जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए उसने अपने अपने अंदर रजिस्टेंस को डेवलप कर लिया है

इट इज कॉज बाय रॉड शेप्ड माइ जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूब्रोक्रोस बोलते हैं ठीक है माइकोबैक्टीरियम का परिवार बड़ा बुरा है माइकोबैक्टीरियम का परिवार का एक और भाई बंधु है वो है माइकोबैक्टीरियम लैप्री लैप्रोसी करता है ठीक है तो माइको लैप्री लैप्रोसी करता है माइकोबैक्ट्रम तो ट्यूबरक्रोसिस टीवी करता है ठीक है इट कॉमनली अफेक्ट दंग्स वेयर स्मॉल ट्यूबरकल आर फॉर्म बट मे अटैक एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग दी ब्रेन बैक्ट्राइट डेमेजेस टिश्यूज एंड हम उस जहर को क्या बोलते हैं ट्यूबरक्ट्राय है, टिश्यू को डेमेज ठीक है और एक जहर को रिलीज करता है, है खांसी रहना ठीक है जो खकार है स्पूटम है उसमें उस ब्लड का ठीक है चेस्ट में दर्द का होना वजन का गिर दो सिम्टम एज ए डॉक्टर बताऊंगा आपको कि दो सिम्टम पर ध्यान दीजिएगा हमें सर के इवनिंग राइस ऑफ टेम्परेचर मैं एज ए डॉक्टर बता रहा हूं थाके? पहला यदि किसी आदमी को रोज शाम को शाम को जब सूरज डूबता है छह बजे सात बजे जब भी सूरज डूबता है थाके? किसी व्यक्ति को रोज शाम को लगता है कि मुझे बुखार आ गया है शरीर का तापमान बढ़ा हुआ लगता है हल्की सी घबराहट होती है शाम के समय फीवरिश फील करता है वन ऑफ द सिम्टम ऑफ पीटीवी

इन अर्ली स्टेजेस ऑफ ऑफ इल्ड बेस्ट रिजल्ट के गैप्स वैक्सीन देते हैं हम प्रोटेक्शन के लिए वर्ल्ड ट्यूबर क्रोसेस डे को हम 24 मार्च को को बनाते हैं ट्वेंटी फोर्थ ऑफ मार्च को हम वर्ल्ड ट्यूबर क्रोसेस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं ठीक है नाव कम टू दी नेक्स्ट डिजीज अगली बीमारी की बात करते हैं अगली बीमारी जो है वो वो भी बड़ी खतरनाक बीमारी है टिटनेस ठीक है और आपने देखा होगा सबसे हम लोग तो बचपन से कुछ ही चोट लग जाए तो हम झट से डॉक्टर पा जाते हैं और डॉक्टर सबसे पहले एक छोटा सा टीका लगाता हुआ होता है टिटनेस ऑक्साइड टीटी टी इज दैक्सीन प्रेगनेंट मदर को लगता है

तेज सरदर्द होगा ठीक है व्यक्ति को जो है वो समझ में आना बंद हो जाएगा उसको इंटेक्ट के और क्या होगा इसके अलावा जो है फेशियल मस, मस, मसल जो है वो यानी चेहरे की मांसपेशियां जो है वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे फिक्स हो जाएंगे अपनी जगह पर उठ के जो जबड़ा जो है वो स्टिफ हो जाएगा चबाने में या बात करने में तकलीफ होगी व्यक्ति को निगलने में तकलीफ होगी गला खराब रहेगा व्यक्ति को उठ के और बॉडी में कुछ अजीब तरीके से कॉन्ट्रक्शन होंगे इसमें और व्यक्ति को मूवमेंट करने में दिक्कत होने लगती है और काफी पसीना आता है व्यक्ति को इसमें उठ के और जो है ठंड लगती है बुखार भी भी रहेगा, रहेगा इसमें फीवर रहे इस और सबसे बुरी बात यह है कि इसमें जब डेथ होती है ना व्यक्ति की तो इसको क्यों इसमें डेथ है ना? धनुर्वाद कहते हैं हिंदी में बीमारी उठ के धनुष के समान के आप है ना ये जो नीचे देख रहे हो नीचे वाला जो है जो है जो है एक, 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 एक सोल्जर था अमेरिकन सोल्जर था उसको टिटनेस हुआ था और उसके उसकी डेथ हुई तो उसको फिर ऐसे जो है वो किसी आर्टिस्ट ने उसको पेंट किया जब जिसने वहाँ डेथ देखा होगा तो उसने उसको पेंट किया कि ऐसी बीमारी में ऐसा करके तो आप देख रहे हैं और दूसरा वाला आप देख रहे हैं रियल लाइफ हॉस्पिटल का फोटोग्राफ है ये कि एक व्यक्ति को टिटनेस से उसकी डेथ हुई है तो उसको जो है देखिए बॉडी उसका कैसा हो होगा एंड मस्कुलर कॉन्टिशन इस तरह का होता है इसमें देखिए है ना धनु धनुष इसलिए हिंदी में इसका वर्ड धनुर्वात की बीमारी को कहते हैं ठीक है टिटनेस या लॉक जॉब इट इज कॉज बाई बैक्टीरिया होता है ये इसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी ठीक है ये बैक्ट इंटर्स बॉडी थ्रू वुंड ये कोई घाव लगने पे चोट लगने पर वहां से एंटर करता है इसके इनक्यूबेशन पीरियड इसका जो है चार से लेकर दिन से लेकर तीन वीक तक का हो सकता है टिटनेस में जो है वो पेन दयान की इंक्यूबेशन पीरियड फोर से लेकर इसका फोर डेज से लेकर थ्री वीक तक का हो सकता है हटके टिटनेस जो है उसमें क्या होता है पेनफुल मस्कुलर स्पाज के दर्द होता है बॉडी में में और मस्कुलर स्पाज होता है उसमें लकवा मारा था से होता है इसमें क्या और जिसकी शुरुआत होती है जॉ से और नेक मसल से क्या जॉ से और ये बीमारी ऑफन फैटल जनरली इसमें डेथ आती है नहीं सिम्टम ये वाले आए मतलब बचा पाना बहुत मुश्किल होता है व्यक्ति को ठीक है टिटनेस ऑर्गेनाइज लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्सेज एंड अदर एनिमल विदाउट डूइंग एनी हार्म टिटनेस का जो टॉक्सिन जो होता है वो हॉर्सेज में और उससे एनिमल्स में जो है वो बगैर नुकसान के के, के के, उनके अंदर रहता है वो ठीक है और इनके स्पोर जब ये इन, इनका जो फीसेज होता है जो जमीन पर जब ये जो मल होता है इनके फीसेज होता है वो उससे मिट्टी में चलाए उससे ये इनके स्पोर मिट्टी में जाए आप सुनिए ये इंसान के लिए अधिक खतरनाक है इंसान के लिए खतरनाक है हॉर्स के लिए बाकी एनिमल के लिए नहीं के अब इसका जो जो स्पोर है वो कहाँ गया इसका स्पोर इस जहाँ चला जाता जा है जा कहाँ पर ये चला जाता जा है म, मल के अंदर इसके एनिमल उसके अंदर के और एनिमल ने जहाँ पे भी एक्सक्रीटर किया वो मिट्टी में मिल जाएगा तो खेलते में कहीं चोट लग गई और मिट्टी मिट्टी लग गया घाव पर

साठ साल तक सरवाइव करता है एक दो दिन नहीं ये एक बार मिट्टी में आया तो रहेगा मतलब इसका मतलब खतरा बहुत लंबा है ठीक है ऑन एंटरिंग बॉडी बाय बे ऑफ दिस पोर रिलीजियस एक्टिवेटेड जैसे ही बॉडी में एंटर किया कोई मान लो किसी को खेलते में चोट लग गया मिट्टी लग गया वहां चोट के तो उस मिट्टी से वो इंटर इंटर कर जाता इसलिए पहले डॉक्टर हमेशा पहले घाव को साफ करता है डॉक्टर हमेशा घाव को पहले साफ़ करता है और झट से टिटनेस टॉक्साइड का वैक्सीन लगा देता है ताकि जो है वो बैक्टीरिया को कंट्रोल में कर सकें ठीक है इट इज एडवाइजेबल टू हैव टिटनेस टॉक्साइड इंजेक्शन इन केस ऑफ इंजूरी इन रोड एक्सीडेंट और कट कॉन्टाम बाई स्ट्रीट डस्ट और एनिमल डंक के जिससे तो टिटनेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं ऑल ऑफ अस शुड हैव टॉक्साइड इम्युनाइजेशन एज ए सेफ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट दिस डेंजर्स डिजीज की बड़ी खतरनाक बीमारी यदि हो जाए तो इसलिए हम सबको इसके लिए वैक्सीन लेना चाहिए ठीक है टिटनेस टॉक्साइड गिवस एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमको एक के और ए अब जैसे मान लो किसी को जो है वो लगता है कि किसी को एक्सपोजर हो चुका है उसका तो अब हम जो है वो ए लगाते हैं जो एंटी एंटी टिटनेस सीरम होता है ठीक और ये हम उनको लगाते हैं जिनको टिटनेस का हमें डाउट लग रहा है जिनको टिटनेस हो सकता है जिनको टिटनेस डेवलप हो रहा है उनको लगाते हैं अदरवाइज हम सब लोग यदि पहले से नॉर्मली वैक्सीन लगा लेते हैं ना टिटनेस टॉक्साइड लगा लेते हैं तो फिर ये खतरा जो है वो हमारे अंदर इम्यूनिटीज़ के खिलाफ आ चुकी होती है ठीक है इसीलिए आप देखिए डीपीटी का वैक्सीन फिर से आ गया ये सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन के, डिफ्थीरिया टिटनेस एक वैक्सीन होता है डीटी टी एंड टिटनेस का वैक्सीन ठीक है ना

देखिए पीपल्स ऑफ ऑल इस वैक्सीन का कोई उम्र नहीं है हर उम्र में ये वैक्सीन व्यक्ति को लगवाना चाहिए ठीक है और देखिए टी डैप वैक्सीन जो है वो यंग चिल्ड्रन के लिए होता है ठीक है टी डैप जो है वो टीन के लिए होता है और टीडी और टी डैप जो है वो वो वैक्सीन जो है वो एडल्ट्स के लिए भी हम इसको लगा सकते हैं कि हर 10 साल में एक एडल्ट व्यक्ति को हर 10 साल में वैक्सीन लगवाना चाहिए इत और यंग एडल्ट्स को बच्चों को 11 से 12 टीन को 11 से 12 साल की उम्र में वैक्सीन लगना चाहिए ईट और छोटे बच्चों को जो है वैक्सीन जो है वो टू फोर एंड सिक्स मंथ में लगना चाहिए ईट के देन फिफ्टीन से एट्टीथ मंथ के बीच लगाना चाहिए देन फोर टू सिक्स छोटे बच्चों को खेलने में गिरने में खतरा अधिक होता है चोट लगने का बाहर मैदान में खेलते हैं लग जाए चोट जाए तो उस इनको वैक्सीन लगना बहुत जरूरी होता है ठीक है क्लियर तो चलिए लेक्चर काफी लंबा हो गया है तो अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लेप्रोसी के ऊपर हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में हम बेटा लेप्रोसी के ऊपर बात करेंगे और फिर उसके बाद पहले हम इसे कवर करेंगे देन हम कुछ वायरल डिजीज कवर करेंगे देन फिर हम कोविड नाइन्टीन पर बात करेंगे ठीक है ना थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है बेटा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा ताकि हम समझ सके चीजों को क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक ही याद रखिएगा इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं इसलिए मैंने इसको प्रायोरिटी पर लिया चैप्टर को ठीक है ना चलिए पढ़ते रहिए बेटा मेहनत करते रहिए ऑल द बेस्ट हाय टू एन ऑफिशियल कमांडो डब्ल्यू डब्ल्यू मेंटर्स जॉइन अस एट ऑनलाइन Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a mentor's online app. From Google Play Store.